उन्हीं के साथ जा रहा था मैं भी, तो वहां से हमने कहीं जाना भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं साजिद के व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज हम कहीं गए नहीं, वैसे जाने का प्लान तो था लेकिन बारिश बरस रही थी तो इसकी वजह से हम गए नहीं आज। दूसरे नंबर पे रोड पे आज काम भी लगा तो गाड़ियां भी 10 मिनट छोड़ते हैं और फिर बंद कर देते हैं लगभग 1 घंटा, तो मैंने सोचा कल सुबह निकलेंगे इसलिए आज मैं गया भी नहीं कहीं। जब हम जाएंगे तो आपको बताएंगे जाना है कहाँ पे हमने। तो जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अभी आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। टाइम 5:30 हो गए शाम के, आज पूरा दिन ही हम अंदर सोए रहे, कुछ काम था नहीं करने के लिए, बारिश भी थी तो बाहर कहाँ जाते, बारिश में कहीं जाने का मज़ा भी नहीं होता, इसलिए हम अंदर ही घुसे रहे। और आज सर्दी भी है, पहले 2-3 दिन लग रहा था कि अब सर्दी खत्म होगी लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ी सर्दी हो गई है, इसलिए मैंने जैकेट भी पहना है। आज मैं दिखाता हूँ आपको मौसम भी और दिखाता हूँ रोड का काम कहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम गए नहीं। फारूक भाई ने भी घर जाना था तो मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा था मैं भी, वहाँ से हमने कहीं जाना भी है। अगर बारिश ना हुई तो वहाँ पे जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे। तो आपको दिखाएंगे जगह भी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा खूबसूरत हो गया माहौल भी और आप देख सकते हो आप वाइट वाइट जितने निकले हुए ना, ये ज़्यादातर प्लम्प के हैं इधर, आप हिसाब लगा सकते हो कितने ज़्यादा प्लम्प हैं हमारे फतेहपुर में। अभी तक ज्यादा इन्हीं के निकले और किसी पेड़ के नहीं निकले। ये सामने यहाँ पे लगा हुआ जी काम और देख लो कितना ज्यादा जाम है अभी भी। बहुत अच्छे लग रहे हैं फूल ये। अब गांव जितने भी थे ना उनमें एक अलग लेवल की खूबसूरती आ गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे पहाड़ों पे आज दोबारा से बर्फ पड़ी हुई है, उस साइड पे पीछे आप देख सकते हो उधर भी पड़ी हुई है, आज ही पड़ी रात को शायद या दिन को पड़ी होगी, हमने देखा भी नहीं आज। इस साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, इस साइड में देखा ये आज ही पड़ी है, कल लास्ट वाली वीडियो में देखना बिल्कुल नहीं थी वहां पे, आज देखा वहां पे भी पड़ गई। इस बार के मौसम का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, नहीं तो पहले तो बर्फ नहीं पड़ती थी, आजकल बारिशें होती थी लेकिन बर्फ नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार बारिश यहाँ पे तो बरसती नहीं। देखा दिन में आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल मतलब हल्की हल्की सी बूंदा बांदी हुई है लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर बारिश ज्यादा हो ना चलो इंसान चला जाता है पूरा अपना मतलब छाता वगैरह लेके, इतनी बारिश में छाता भी क्या लेगा, लोग हंसेंगे बोलेंगे यार इतनी बारिश आ रही, ऐसी बारिश का पता नहीं होता कब बरसना शुरू हो जाए, इसलिए हम गए भी नहीं उधर। इंशाल्लाह अगर कल गए तो, कल तो वैसे हमने जाना ही है, कल जाएंगे। मैं तो एक ही दुआ करता हूँ कि बारिश ना बरसे तो हमने जहाँ पे जाना है ना वहाँ फारूक भाई के घर से, बहुत ही खूबसूरत जगह है इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। है एक ज़ियारत है लेकिन नाम मुझे भी सही पता नहीं है, उन्हीं से पूछेंगे जब हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें। ऐसे भी आज घर पे थे तो घर पे आपको और क्या ही दिखाना था, इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग भी डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा चलो आज आपको ये थोड़ा अपडेट वगैरह दे देते हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तभी मैं काफी बार यहीं पे आके खड़ा होता हूँ। फोन का मेरे का चार्जर खराब हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है, चार्ज नहीं होता अब, वो भी एक दिक्कत बनी हुई है, क्या पता क्या मसला है उसका।
अभी देखा कितने ज्यादा पेड़ों ने अभी पत्ते निकालना शुरू हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पेड़ है ना, मतलब जिसने पत्ते निकाले हुए, ये एक ही है, और जो ये फूल निकाले हुए ये पेड़ भी एक ही है। तो ये पेड़ बहुत जल्दी करते हैं, ये एक पत्ते निकालने में, दूसरा फूल निकालने में। देखना है भी कितने ज्यादा नहीं है। और जिस साइड भी देखोगे ना, अब मजा आता है देखने का भी, फूल निकले हुए हैं अलग लेवल के। तो सर्दी भी है ना, वो भी अलग लेवल की सर्दी, अब उसमें भी मजा आता है। पहले छुप 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 के हमें भी रहना पड़ता था। अभी कुछ दिनों के बाद और भी फूल निकलेंगे, फिर और मजा आएगा। फिर देखना आपको पूरा हरा भरा नजर आएगा ना, फिर जब घास भी उगेगा तो और भी मजा आएगा। फिर ये आया मुझे बुलाने के लिए, बोल रहे अंदर से, बोल रहे चाय पी लो। क्या दानियाल, क्या बोल रहे? अच्छा अच्छा झूठ बोल रहा तू, इधर इधर देख, इधर तो झूठ बोल रहा तू। देखा, बोल रहा है, झूठ बोल रहा हूँ मैं। कितना ज्यादा सामान निकाला हुआ है, जो ये पेंट वगैरह किया था, जो बर्तन वगैरह वो साफ कर रहे हैं आज। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। लगभग अभी भी 40% जो लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने के कौन से पैसे लगते हैं, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हाँ हमने ये करना चाहिए। क्योंकि अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम ये कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बता दिया करो वीडियो आपको कैसी लगती है। चलो आपसे मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।